table. मैंने बेड समेटा तो फर्श पर सो गया। अरे देखो 8 बजने वाले हैं। अगर स्कूल बस मिस हो गई ना तो देख लूंगी तुम्हें। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। मम्मी 2 मिनट और सोने दो मम्मी, रात को बहुत देर से सोया था। सारी रात टीवी देखेगा, उसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ? अजी सुनते हो, टीटू के पापा। कौन? मैं? आप नहीं तो और कौन? बस ऐसे ही उल्टे खड़े रहिए, अगले महीने से उसके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। ओए होए 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 होए। आधी रात तक टीवी देखता है, फिर 9 बजे सोकर उठता है। आप कुछ करेंगे कि नहीं? सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा अपना हर काम टाइम पे किया करूँगा। क्या होगा इनका? आपकी नहीं, टिट्टू की बात कर रही हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस घर में मेरी चलती ऐसा सिर्फ मैं ही मानता हूँ। ओहो, आप कुछ करेंगे या नहीं? ठीक है ठीक है, बताओ क्या करना है। हाँ वो सैंडविच, मेरा सैंडविच। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उसके लिए टाइम टेबल बना दिया जाए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग बाद में, पहले तुम इस टाइम टेबल को ध्यान से पढ़ो, तुम्हें इसके मुताबिक चलना होगा। और चल के कहाँ जाना होगा पापा, बताओ तो। सुबह सुबह मजाक मत करो, इस टाइम टेबल को आज से तुम्हें फॉलो करना है। साढ़े 7 से 8 टीवी देखना। सिर्फ आधे घंटे पापा, मगर क्यों? आधा घंटा बहुत है एग्जाम को देखते हुए, और ज्यादा चुपचाप चपाट की ना तो 15 मिनट कर दूंगी। 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है और 8 बजने में 5 मिनट बाकी है बस। अच्छा जी, चलो 5 मिनट में तैयार होकर आओ। अगर टाइम टेबल ठीक से फॉलो हुआ तो टिट्टू एकदम से सुधर जाएगा, पढ़ाई में चैंपियन हो जाएगा, बड़ा होके साइंटिस्ट बन जाएगा, बहुत पैसे कमाएगा। फिर ना मैं जब जब सेल लगेगी तो डिस्काउंट में खूब सारी शॉपिंग करूंगी। हर जवाब का सवाल हो, करता बवाल हो। आ गए मेरे बच्चे। ये क्या हालत बना ली है? स्कूल में बहुत सफाई करनी पड़ी। लेकिन टिट्टू तो बहुत साफ सुथरा है। क्योंकि टिट्टू सफाई करता नहीं, करवाता है। सुपरवाइजर साहब, जाओ जाओ जल्दी से नहा लो जाके। ओके। कहाँ जा रहे हो भैया? टाइम टेबल देखो, ये नहाने का नहीं नाश्ते का टाइम है। लेकिन बेटा अगर नहा लोगे तो। मम्मी आप चाहती है कि मैं आपका टाइम टेबल फॉलो ना करूं? वो भी आपका बनाया हुआ। आपको पता है ना कि आप कोई ऐसी वैसी मम्मी नहीं हो। ठीक है लाती हूँ सैंडविच। बेटा होमवर्क कर लो अपना। लेकिन मम्मी टाइम टेबल के मुताबिक ये मेरा नाश्ता करने का टाइम है। गोलू बेटा जाके 1 किलो आलू लेके आना। ओके मम्मी। रुको भैया, टाइम टेबल में कहाँ लिखा है कि 5:30 बजे आलू लेके आना है? मम्मी। बहुत दिनों बाद आए जीजा जी। टिट्टू। देखो बच्चों, मौसा जी आए हैं। हेलो मौसा जी। लेकिन गलत टाइम पे आ गए आप। मम्मी इनका भी टाइम टेबल बना देना, आने का और जाने का। टिट्टू, ये मेरा खेलने का टाइम है, बाय बाय। ये बड़ा मजाक किया है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है।
चलो चलो हम लोग चलते हैं, अगली बार टाइम टेबल देख कर आएंगे। चलो भगवान। है? अब मेरी बैटिंग। चलो भैया घर चलते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो जान से भी प्यारे दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है फील्डिंग करने की। इतना मीठा क्यों बोलते हो गन्ना कि चींटियां और मधुमक्खियां आ जाती है। बच्चों मधुमक्खियों से अभी चलो, तुम लोग बोलिंग करोगे। मैं तो घर जा रहा हूँ। टाइम टेबल के हिसाब से हम 6 से 7 बजे तक खेल सकते हैं। बैट तो मेरे पास है लेकिन बॉलिंग कौन करेगा? मधुमक्खियाँ भागो। पापा पापा पापा, टाइम टेबल के अनुसार 6 से 7 का टाइम खेलने का, और अभी तो 7 बज गए। देखो मैं तो घर भी आ गया। वाह शाबाश, बहुत अच्छे, टाइम टेबल तो वर्क कर रहा है ना गोलू की मम्मी? शायद नहीं। आज की स्पेशल रिपोर्ट, आइए हम आपको लिए चलते हैं शहर के मेन हाईवे पर, जहां हादसे की खबर आ रही है। हमारे कैमरामैन सूरदास त्रिपाठी के साथ हमारी संवाददाता झूठी मिश्रा वहां पहुंची है। हाँ झूठी, बताइए क्या खबर है? अरे ये चैनल किसने बदल दिया? पापा आप लगता है भूल गए, हमारा टीवी देखने का टाइम है। अरे बेटा बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, इधर सिर्फ 5 मिनट है। नहीं पापा, टाइम टेबल इज टाइम टेबल। दे दो। पापा क्या कर रहे हैं? पापा क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का बनाया टाइम टेबल फॉलो ना करूं? टाइम टेबल फॉलो होना ही चाहिए। ठीक है भाई, इस घर में मेरी चलती है ऐसा सिर्फ मैं ही मानता हूँ। अरे वाह, पापा से रिमोट ले लिया। मैं हूँ टीटू द ग्रेट। इस टाइम टेबल से ना थोड़ी परेशानी भी हो रही है जी। हमें हो रही है ना, लेकिन बच्चों को तो फायदा हो रहा है। वो तो है, देखिए 9:30 बजे हैं और सो भी गए हैं, अब कल सुबह जल्दी उठेंगे। बेटा गोलू देखो टीटू जगा कि नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। अरे वाह, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? हर जवाब का सवाल हूँ, करता बवाल हूँ। आज तो 7 बजे ही उठ गए मेरे बच्चे, मैं ही थोड़ा लेट हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं हो पाया है। वो क्या है ना, गैस चूल्हे का लाइटर ही नहीं मिल रहा था। अरे क्या हुआ बेटा? ये टाइम टेबल आपने बनाया है और मैं इसे फॉलो करके ही रहूँगा। टाइम टेबल के मुताबिक अब हमें स्कूल जाना है। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज तुम्हें पापा स्कूल छोड़ देंगे। ऐसा तो टाइम टेबल में लिखा नहीं है मम्मी। हाँ लेकिन मैं बोल रही हूँ ना। अरे बोलती तो आप रोज ही हो मम्मी, लेकिन मैंने आज तक फॉलो कभी नहीं किया। कम से कम आपका बनाया हुआ टाइम टेबल तो फॉलो करूँ। चलो भैया बाय पापा। पर बेटा टिफिन खाए बिना मत जाओ। अरे देखो बेटा टीटू, टाइम टेबल को इतना स्ट्रिक्ट होकर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मम्मी कितनी उम्मीद से आप दोनों ने टाइम टेबल बनाया है, हम फॉलो नहीं कर पाए तो लानत है हम पर। चलो भैया। क्या? अरे रुको रुको बेटा, बिना खाए बिना टिफिन लिए स्कूल में सारा दिन भूखे रहोगे। मम्मी हमारा पेट भरना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इस टाइम टेबल को फॉलो करना जो आप दोनों ने बनाया है। भैया आप भी तो कुछ बोलिए। हाँ हाँ अब बोलता हूँ ना, वैसे मेरी लाइन क्या है टीटू? What's that? ये भैया भी ना।
ओफो, टाइम टेबल इग्नोर करने का मतलब आप दोनों को इग्नोर करना। मेरा बच्चा। I love you, मम्मी। हाँ, भूल जाओ इस टाइम टेबल को। मेरे बच्चों से बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना हो। देख क्या रहे? जब देखो तब मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं पड़ा रहता हूँ? तो क्या मैंने बनाया है ये टाइम टेबल? कहा तो तुम्ही ने था बनाने के लिए। मैं कहूँगी कुएं में कूद जाओ, तो क्या कूद जाओगे? अरे अरे रुकिए मम्मी पापा, आप लोग आपस में मत लड़िए। एक काम करता हूँ, इस बार टाइम टेबल मैं बनाता हूँ जिसको सब आसानी से फॉलो कर पाएंगे। क्या देखा, आपने बनाया ही गलत था। कोई बात नहीं, अब बेटा तू बना ले। वाह टीटू, तेरा तो जवाब ही नहीं है। देखा भैया, रात में गैस लाइटर छुपाने का फायदा। तुम हो क्या चीज टीटू? पापा मम्मी, मेरे सोकर उठने का टाइम होगा 9:15 और शाम को मैं 2 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे टीवी देखूंगा। टीटू तुम ऐसे क्यों हो? अब ऐसा ही हूँ मैं, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मैं हूँ